लिया चटक जाए आकाश, न्याय के हाथों होकर रहेगा अन्याय का सर्वनाश। वानर वीरों, कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोके? किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। तुम्हारी पत्थर छातियों को क्या भेदेंगे अहंकार के तीर, जिनकी धमनियों में रक्त की जगह आग बहती है। तुम हो वो शूरवीर। रावण, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं न्याय के दो पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने, आ रहा हूं अपनी जानकी को ले जाने। धस जाए ये धरती या चटक जाए आकाश, न्याय के हाथों होकर रहेगा न्याय का मैं आ रहा हूं न्याय के दो पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। आ रहा हूं अधर्म का विध्वंस करने। रहेगा राम और ना बनेगी रामायण। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय। जो धर्म मेरी माँ ने मुझे सिखाया है उसे साक्षी मानकर वचन देता हूँ, तुम्हारे गौरव और मर्यादा पर किसी भी परिस्थिति में आंच नहीं आने दूंगा। अधिलोक महिमान्वित महासिक्ति युत शत सहस्र वर्ष सुदीर्घ निरीक्षण में एक ही लक्ष्य होता है विजय, परंतु किसी एक प्राणी या रावण नाम के केवल एक शत्रु पर नहीं। खास होकर रावण के विनाश का कारण कोई असुर, कोई राक्षस या कोई देव। दिग्पाल, देवी देवता, नाग गंधर्व तक कुरलाने वाला रावण। तो फिर रावण ये
मैं संजीवनी को पहचानूंगा कैसे? संजीवनी न फल है न पत्ती न फूल न वो मधुमास में हरी होती है न पतझड़ में पीली न उसमें कोई सुगंध होती है न कोई दुर्गंध ना वो कमल की तरह कोमल होती है ना बबूल की तरह कटीली। अबे यहाँ पे तो उन्हें वो मिलता है राक्षस मिलता है यहाँ पे ऋषि के वेश में। संजीवनी संजीवनी है और यही उसकी पहचान है। आज एक मूर्छित हुआ है कल और भी हो सकते हैं। संजीवनी की आवश्यकता तो पड़ेगी, तत्पर रहना होगा। शेष बच गया लंकेश। इंद्रजीत के नागपाश का बस एक ही तोड़ है और उसके बारे में कोई नहीं जानता।